हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ टीचर्स 111. कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे. फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग और ये वीकली फोरकास्ट है आने वाले हफ्ते की, यानी कि 22nd से 28th ऑफ अगस्त कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या बदलाव हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में और क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है. तो आज की ये जो रीडिंग है ये मैं करने वाली हूँ कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि एक्वेरियस के लिए, और बताऊँगी कि क्या बदलाव हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में. रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहूंगी एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं. जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑलराइट, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए और देखते हैं कि आने वाला हफ्ता उनके लिए क्या लेकर आ रहा है. ऑलराइट, हेड स्टार्ट. थैंक यू. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Thank you very much. Alright. Aquarius. चलिए देखते हैं Aquarius के लिए क्या cards आते हैं. Okay. पहला card आया है Aquarius आपके लिए इस हफ्ते में 8 of Swords. तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए दे रहा है वो ये दे रहा है ना कि आप सेल्फ डाउट छोड़ दें. मान लीजिए आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो और अगर आप बार बार उसमें फेल हो जा रहे हो ना तो अपने आप पर शक करना बंद करें. हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारा प्रयास गलत है, यानी कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत है. कभी कभी सिचुएशन फेवर नहीं करती, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम गलत चीज़ों पर अपनी चेष्टा या फिर अपना प्रैक्टिस लगाते हैं. मान लीजिए आप कोई काम नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और बार बार आपके ऊपर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही है कि ये काम आपका बन नहीं रहा. इसका मतलब ये नहीं कि गलती आपकी है या फिर आप में कोई कमी है. इसका मतलब ये है ना कि आपको इस चीज़ को या तो अलग तरीके से करने की ज़रूरत है या फिर ये चीज़ आपके लिए है नहीं. तो ये आपका कोई काम हो सकता है, ये आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपके फैमिली का कोई मैटर हो सकता है. और अगर ये बार बार आपके प्रयास करने से भी अभी नहीं बदल रहा है या फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपको अपने सोचने का समझने का डायरेक्शन जो है बदलना पड़ेगा. यानी कि जिस तरीके से आप इस काम को करना चाहते हैं उसका डायरेक्शन जो है आपको चेंज करना पड़ेगा. ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है कि आप, ऐसा भी लग रहा है कि किसी सिचुएशन में, ये पर्सनल मैटर में भी हो सकता है, आप स्टक हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपको होना नहीं चाहिए था बट किसी ना किसी कारण से आप इस सिचुएशन में अटक गए हो. तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं है. इसके लिए आपको इस सोच से बाहर आना पड़ेगा. आप अपने आप के ऊपर क्या काम कर सकते हो, आप अपने से क्या कर सकते उस पर फोकस कीजिए. जो काम नहीं बन रहा है उसके होने के लिए आपको अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है. जितना आपसे हो पा रहा है उतना आप कीजिए या फिर अपने सोचने का डायरेक्शन बदलिए. आपका ये काम जो भी है वो इस हफ्ते हो जाएगा, बस आपको सोच बदलने की दे रही है. यहां पर 10 of Swords आया है. 10 of Swords यहां पर ये बात करता है कि आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो, आपकी मेहनत जो है ज़रूरत से ज़्यादा आप एफर्ट डाल रहे हो बट आपको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है. आपके ऊपर हो सकता है प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, आपका वर्क प्रेशर हो सकता है, आपका पर्सनल काफ़ी इश्यूज हो सकता है. तो मुझे इस कार्ड से यही आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना कि एफर्ट उतना ही लगाएं जितना आप अपने ऊपर ले सकते हैं. ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को पाने की या करने की चेष्टा करेंगे ना वो आपके हेल्थ पर इफेक्ट होगा. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में आपका हेल्थ भी थोड़ा बिगड़ सकता है, हेल्थ में थोड़े बहुत आपके इश्यूज आ सकते हैं. तो अपनी एनर्जी को उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं. अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो इट्स ओके. ऑलराइट, तो आपको इतना ही मेहनत करना है जितना आप कैपेबल हो, क्योंकि अगर आप बार बार किसी चीज़ को करने से भी अगर वो आपको हासिल नहीं हो रहा है इसका मतलब ये चीज़ आपके लिए नहीं है. तो चाहे ये आपका घर का प्रेशर हो, चाहे आपके काम का प्रेशर हो या फिर अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसमें अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो ये शायद उसको करने का सही समय नहीं है. तो अपना जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो ना
उसमें थोड़ा सा अपने आप को और टाइम दे, थोड़े और पैटर्न्स इसके जानने की कोशिश करें कि इस काम को और कैसे किया जा सकता है, इसके अलावा मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस हिसाब से आप आगे बढ़ें, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। यस, मुझे लग ही रहा था क्योंकि पहला कार्ड ही मैसेज यही दे रहा था कि फिनेंशियल कोई इशू हो सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई फिनेंशियल इशू चल रही है, या फिर मान लीजिए आपने कुछ महीने पहले कोई नया काम स्टार्ट किया है और उसमें आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका ग्रोथ रुक जा रहा है, कहीं ना कहीं आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल पा रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है कि आपको इसका आउटपुट दिखे, ये टाइम है आपके एफर्ट्स को लगाने का। और सही जगह अगर एफर्ट लगेगी ना, तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। तो अभी से आप इस चीज़ की चेष्टा ना करें कि आपने इतना मेहनत करा, आपको अभी इसका आउटपुट जानना है, नहीं, ये राइट टाइम नहीं है। अभी क्या समय है? अभी समय है कि आप कितना कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करें, और जितना नहीं हो पा रहा है उसे जाने दें। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करना अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपने कोई रिसेंटली कोई नया काम स्टार्ट किया है और आपको लग रहा है कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है इसके ग्रोथ को चेक करने का, ये कितना काम करेगा इसको चेक करने का। तो फिलहाल आपको यही बोला जा रहा है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, अभी फल के देखने का टाइम नहीं आया है। यस, मुझे नाइन ऑफ कप्स के कार्ड से ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बोला पहले कार्ड को देखकर ही, कि आप मेहनत तो कर रहे हो बट उसका एफर्ट, उसका जो प्राइस है वो आपको नहीं मिल पा रहा। और उसका कारण ये है क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका हो सकता है डायरेक्शन गलत हो, उसका जो पैटर्न है, जिस तरीके से आप वो काम करना चाहते हो, आपका वर्क हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, वो शायद वो डायरेक्शन सही नहीं है। तो आप जैसे ही अपने पैटर्न को चेंज करेंगे, जैसे ही आप सोचने के नज़रिए को चेंज करेंगे ना, आपके लाइफ में नाइन ऑफ कप्स, यानी कि आपकी कोई ना कोई विश, हो सकता है आपके वर्क को लेकर हो, आपके ऊपर फैमिली प्रेशर हो, उसको लेकर हो, वो देखेंगे आपकी वो ख़त्म हो रहा है, वो प्रेशर जो है धीरे धीरे चला जा रहा है, और जो भी ऑब्स्टेकल्स थे आपके लाइफ में वो क्लियर होते जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको आपके वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बट अगर आप एक स्मार्ट वर्क करते हैं हार्ड वर्क के बदले, अगर आप जान सकते हैं कि इस काम को, जो भी आपने काम स्टार्ट किया है, चाहे आपका वर्क ही क्यों ना हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ ही क्यों ना हो, उसके सोचने का जैसे ही आप नज़रिया बदलेंगे ना, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तो है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग अगर नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वीक काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अगर जॉब सर्च कर रहे हैं, इस वीक में आपको जॉब मिल सकती है। कोई नया अगर अपने से कोई व्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई टैलेंट दिखाकर कोई काम करना चाहते हैं, इसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है। पेज ऑफ कप्स, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो नया प्यार ढूंढ रहे हैं, नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मुझे लग रहा है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई आ सकता है नहीं, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी नए रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ चांसेस तो है कि यस, आपकी बातचीत किसी के साथ हो सकती है। वी हैव द चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि जो लोग यहाँ पर देश से बाहर जाने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आप चाह रहे हो कि आप पढ़ाई के लिए या फिर अपने वर्क के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो आपकी लाइफ जो है इस वीक के एंड होते होते, यानी कि जब ये वीक एंड हो रहा होगा 26 to 28 August में, आपकी लाइफ स्पीड पकड़ेगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आपको तब भी ऐसा लगेगा, आपको तब भी ऐसा एक फ्रस्ट्रेशन होगा कि कहीं ना कहीं आप जो प्रयास कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, उसमें एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हो बट आउटपुट नहीं मिल रहा। जैसे ही वीक ख़त्म होने पर आएगा, आपको नए नए ऑप्शंस दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब आपको पता है कि आपको अपने एफर्ट कहाँ डालने हैं, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी लाइफ जो है डेफिनेटली पेस पकड़ लेगी और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपके लिए काफ़ी पावरफुल वीक है, मेहनत भी है, उसका फल भी है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हो आप, बट इट्स ओके, टाइम आपके लिए अच्छा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आता है यूनिवर्स की तरफ से। देखिए, आपके लिए कार्ड आया है पेशेंस का। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। बिल्कुल जैसा कि आपका कार्ड आया है वैसा ही आपके लिए सजेशन भी आया है कि
कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो डिवाइन ऑर्डर पे होता है, यानी कि यूनिवर्स जब चाहती है तब होता है, हम जब चाहते हैं तब नहीं होता है। मैंने इस कार्ड को देखकर ये सेम मैसेज आपको दिया था, तो यूनिवर्स भी यही कहना चाहती है कि जब किस चीज़ का राइट टाइम आएगा तभी वो चीज़ होगा, हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी चीज़ें नहीं बदलेंगी। ऑलराइट, तो आप अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं ना, तो वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका राइट टाइम नहीं आया है। और राइट टाइम जो है आपके लिए इस वीक में, इस वीक के एंड पर आएगा और फिर आपकी लाइफ जो है डेफिनेटली पेस पकड़ेगी। ऑलराइट, तो कुंभ राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।